या अरे नहीं यार, नहीं नहीं यार, मेरी शादी हो गई यार बॉस, अब मैं बदल गया हूँ। हाँ हाँ, अरे यार बाद में फोन करता हूँ यार। ओके टेक केयर, बाय। हेलो, देखो नीता, इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान की दी हुई हर सुख सुविधा यहां पर है। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगी, वो चीज तुम्हारे सोचने के पहले तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओके? हेलो, हाँ बोलो। ओके ठीक है, मैं वहां आता हूं। राइट, अनीता, देखो मैं आ जाता नहीं पाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। ठीक तो है? वो पानी, गला जरा सूख रहा था, ट्रेन छूट रही थी तो पानी नहीं ला सकी। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं पानी लेके आता हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने वाले स्टोर पर मिलेगा। सर ये ट्रेन छूटने में कितना टाइम है? अभी 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन जल्दी आना। भैया एक पानी की बोतल देना जल्दी। अच्छा, ये लो। छुट्टा नहीं साहब, छुट्टा नहीं है, जरा जल्दी। ये लीजिए। अरे भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्या बात है? खून। क्या हुआ? खून। खून? ओह माय गॉड। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ हाँ रोकता हूं।
मिस्टर अजीत, आपके सिवा उस कूपे में जब कोई और नहीं था तो ये कत्ल कौन करेगा आखिर? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि जब वो लड़की आई थी तो बदहवास थी, कुछ घबराई हुई थी, उसे 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 जोरों से प्यास लगी थी और उसने उसने मुझसे पानी मांगा, और जब उसकी मदद करने के लिए मैं पानी बाहर लेने गया तो मुझे कंडक्टर साहब भी मिले और मैंने उनसे बात भी की, और जब मैं पानी लेकर वापस आया तो मैंने देखा उसके सीने में खंजर गड़ा था और वो मर चुकी थी। पता नहीं इतनी देर में कौन आया और कत्ल कर चला गया। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर अजीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद था। कंपार्टमेंट के बाहर वो लड़की आई और ये पानी लेने नीचे उतरे और सामने वाले स्टॉल से पानी लेकर अंदर गए और चीखकर वापस आए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये नौजवान उस लड़की का कातिल हो सकता है तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं भी उस लड़की का कातिल हो सकता हूँ। मिस्टर वर्मा, आपकी गवाही ने फिलहाल इन्हें हमारे शक के दायरे से दूर कर दिया है। मिस्टर अजीत, अब जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू वेरी मच। अरे मिस्टर अजीत, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे? और सुनिए, आप अपना पता और ठिकाना लिखवा कर जाइएगा। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूं? हाँ मिस्टर वर्मा, आप जा सकते हैं। ठहरिए मिस्टर वर्मा, प्लीज। बोलिए। मिस्टर वर्मा, जरा सोचकर बताइएगा, जब मिस्टर अजीत कंपार्टमेंट से बाहर गए थे उस वक्त कंपार्टमेंट में कोई और तो नहीं आया? कोई सोचकर बताइए। पैसेंजर तो आ जा रहे थे, पर अब क्या बताऊं, दो चार लोग अंदर गए और फिर वापस आ गए, मगर इतनी जल्दी ये इसलिए हो गया कि कत्ल करने वाला लगता है कोई बहुत ही बड़ा माहिर खिलाड़ी था, जिसने एक ही वार में अनीता गुप्ता को खत्म कर दिया। वो बेचारी चीख भी नहीं पाई। खैर, आप जा सकते हैं। ओके। हवलदार जी सर, एक काम करो जी, रिजर्वेशन ऑफिस जाओ। हाँ जी। वहां जाकर अनीता गुप्ता के घर का पता लगाओ। ठीक है सर। और एक काम और करना। हाँ जी। मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर। कौन है? तुम? क्या बात है, तुम वापस घर आ गए? माँ, मैं मुझे पता था कि जरूर आज कोई गड़बड़ होगी। तुम्हारे जाते वक्त वो अपशगुन हुआ था ना? अरे नहीं माँ, कुछ अपशगुन नहीं हुआ है, मुझे तो तेरे आशीर्वाद ने बचा लिया, वरना आज तेरा बेटा हवालात में होता और उसके सर पर एक अनजान औरत अनीता गुप्ता के कत्ल का इल्जाम होता। माँ क्या? हाँ माँ। जगिया, जगिया, रुकिए सब, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर, मिस्टर संजय गुप्ता है? हाँ हाँ है ना। आइए 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 आइए,
साहब, इंस्पेक्टर साहब आए। मिस्टर गुप्ता, आई एम इंस्पेक्टर एम के भाटिया, रेलवे पुलिस, मुंबई सेंट्रल। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर गुप्ता, मैं मिसिज अनिता गुप्ता के बारे में आपसे कुछ पूछने आया हूँ। अनिता के बारे में? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अव्वल तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ आए क्यों हैं, और फिर आपको अनिता के बारे में कुछ पूछना है तो खुद उसी से पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल वो सो रही है, 11 बजे के पहले वो सो के नहीं उठती। मिस्टर गुप्ता, आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी बीबी अनिता गुप्ता अपने बेडरूम में सो रही है? जी हाँ, इस समय वो अपने बेडरूम में सो रही है। मिस्टर गुप्ता, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज आप उन्हें जगा देंगे? लेकिन क्यों? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बीबी को जगा दीजिए। ओके, जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जी। बैठिए ना। नो थैंक्स, आई एम ओके। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नो थैंक्स। मेम साहब मैम साहब, अरे बाप रे, बाबूजी, बीबी जी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? देखो ना, यहीं कहीं आसपास होगी। जी हाँ, और बिस्तर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रात भर बिस्तर पर सो ही नहीं है। क्या? हाँ बाबूजी। मिस्टर गुप्ता, अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपकी पत्नी अनिता गुप्ता कल रात को गुजरात मेल से अहमदाबाद जा रही थी। ये क्या कह रहे हैं? पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर गुप्ता। कल रात गुजरात मेल के फर्स्ट क्लास के कूपे में किसी ने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया। जी हाँ। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई धोखा हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी कल इस घर के बाहर गई और किसी ने देखा भी नहीं। अनीता का कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। Thank you.
थोड़ा और घी डालिए। लकड़ियां तो सूखी हैं, पर आग क्यों नहीं पकड़ती? पंडित जी, लग रहा है अनीता की आत्मा अपने शरीर का इतनी जल्दी जल जाना ठीक नहीं समझ रही, और मेरे लिए भी तो आखिरी मौका है कि मैं अपनी अनीता को देख सकता हूं। तुमने ठीक नहीं किया अनीता, तुमने मुझे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले भटकने को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मालिक, मालिक, अरे कोई पानी लाओ। क्या हो गया? इन्हें बाजू को ले चलो, बाजू को ले चलो, संभाल के। अरे पानी ले, पानी लो, पानी ले। गुप्ता जी, गुप्ता जी, आराम से, आराम से, अरे कोई पानी लेके आओ जल्दी, जल्दी भाई। हाँ, अरे अरे कोई पानी लाओ, अरे हाँ पानी लेके आओ जल्दी लाओ। अरे अरे
प्लीज दरवाजा खोल बेटा। माँ क्या बात है? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? क्या बात क्या है? क्या बात है माँ? मैंने वो आग वो आग माँ कहाँ है आग? बेटा बेटा मैंने देखा तेरे तेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो आग वो अंदर आई और फिर तेरे कमरे का दरवाजा बंद हो गया बेटा। मैं समझ गया माँ, तूने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा, ये सब उसी का असर है माँ। नहीं बेटा नहीं, ये कोई सपना नहीं था, ये जरूर कोई बुरा शगुन होगा बेटा। बेटा मैंने ना, मैं सच बोल रही हूँ बेटा। अब छोड़ ना माँ, ये सब तेरा वहम है, चल चल कर सो जा। नहीं बेटा, अब मुझे नींद नहीं आएगी बेटा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, तूने बरसों मुझे लोरी गाकर सुलाया है, आज मैं तुझे सुलाता हूँ। चल माँ चल, आ जा माँ, चल आ जा। सर ये अनीता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। थैंक यू। कत्ल का वक्त तो वही है जो मैंने सोचा था, मगर इसमें एक खास बात है जो मेरी समझ में नहीं आई, और वो ये कि कातिल इंसानी जिस्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके चाकू का वार इतना परफेक्ट था कि अनीता गुप्ता को एक आह करने तक का मौका नहीं मिला। कातिल या तो कोई सर्जन है या कोई कसाई। मिस्टर गुप्ता, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरे हिसाब से तो आपको बेड से भी नहीं हिलना चाहिए, वैसे भी आपका बीपी काफी बढ़ा रहता है। प्लीज डॉक्टर, अब जिंदगी में बचा ही क्या है, अनीता चली गई, मानो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। अब जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता, आपको ये सारी बातें जहन से निकाल देनी चाहिए, बेहतर यही होगा कि आप इन बातों को भूल जाइए। क्या क्या भूल जाऊं मैं डॉक्टर, यही कि उस रात में लाइब्रेरी में काम कर रहा था ये सोच के कि मेरी बीवी बेडरूम में सो रही है, और अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर साहब आकर मुझे बताते हैं कि मेरी बीवी की लाश पुलिस स्टेशन पे पड़ी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मिस्टर गुप्ता, इंस्पेक्टर साहब आप आइए। देखिए इंस्पेक्टर, अगर इस वक्त आप इनसे कुछ पूछने आए हैं मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। नहीं डॉक्टर, इनसे मैं कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि ये अगर अपनी वाइफ का कमरा हमें देखने की इजाजत दे दें, शायद हो सकता है वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस कत्ल को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके। जी डेफिनेटली। जगिया जी मालिक, साहब को अनीता जी का कमरा दिखा। अच्छा मालिक, आइए। थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं। खोलो फेरी से। खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा? अबे गलती से कोई दूसरे कमरे की चाबी तो नहीं ले आया? नहीं नहीं साहब,
ऐसा कुछ नहीं, मैं इसी चाबी से हमेशा खोलता हूँ सर। तो खोलो इसे। साहब जैसे ये लॉक टूटा है साहब, वैसे ही कुत्ते का लॉक तोड़कर खूनी अंदर आया होगा और अनिता गुप्ता को मार डाला साहब। हाँ, दरवाजा खुल गया। खुल गया, चलो खोलो इसे। पत्र रेलवे कंपार्टमेंट में हुआ और उसके निशान आप यहाँ ढूंढने आए हैं। कातिल तुम्हारे आसपास हैं। बहुत ताक ठाक करने की आदत है ना? नहीं नहीं, चल मेरे साथ। सर, चल सर, ना। सीट नंबर टू। अरे आप? हाय मिस्टर वर्मा। हाय। आज मैं फिर अहमदाबाद जा रहा हूँ। उस दिन जिस काम के लिए जाना था वो तो उस हादसे में कैंसिल हो गया। अच्छा, वैसे मिस्टर अजीत आप करते क्या हैं? जी मैं कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, तब तो फिर आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अरे भाई, आपसे तो कॉस्मेटिक के फ्री सैंपल लेने हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए, खुश हो जाएगी वो। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप मेरा कार्ड लीजिए। जरूर, मेरे ऑफिस में आइए, आपको खुश कर देंगे। जरूर जरूर। अच्छा अपना टिकट दिखाइए। एक मिनट, ये लीजिए मेरा टिकट। कमाल है, उस दिन भी आपका कुप्पे सी था और आज भी कुप्पे सी, यानी सेम बर्थ। लीजिए जाइए अंदर। ओके थैंक यू। खोलो, कोई है? आग, 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 आग। मिस्टर अजीत, क्या बात है? वो लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की जिसका उस दिन खून हुआ था,
क्या बात करते हैं मिस्टर अजीत, वो लड़की अब कहां से आएगी? उसके अंतिम संस्कार की खबर तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ चुका हूं। मिस्टर अजीत, लगता है उस हादसे का बड़ा गहरा असर हुआ है आपके दिमाग पर, भूल जाइए उसे। और हाँ, आज तो आराम ही आराम है, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में सिर्फ आप अकेले हैं और साथ में मैं। अच्छा मिस्टर वर्मा, मैं चलता हूँ। कहाँ जाएंगे? अरे भाई, गाड़ी छूट जाएगी। अरे तू फिर लौट आया? क्या बात है बेटा, आज फिर से कोई हादसा हुआ? नहीं माँ, नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। तेरी जिस बात को मैं वहम समझता रहा, आज वो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। क्या? हाँ माँ, इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने रास्ते में उस लड़की को फिर से देखा है माँ। ऐसा लग रहा था जैसे जलती चिता से उठकर मेरे आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई है। बेटा, आज की रात गुजर जाने दे, कल मैं तुझे किसी पंडित के पास नहीं चलती हूँ। ऐसी बातें बार बार नहीं होनी चाहिए। बेटा, अब तू जाकर आराम कर, ठीक है? जाओ बेटा। तुझे ही मेरे बेटे की रक्षा करनी होगी, उसे बुरी नजर से बचा लेना, उसे बुरी नजर से बचा लेना माँ। अंदर जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी। एक्चुअली डॉक्टर, मैंने आपको मना किया था बाहर जाने के लिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी था। देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने से मेरी ही गवाही पे छोड़ा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो क्या करता? जो करना था वो कर लिया, अब चलकर आराम कीजिए। चलिए। जी। Thank you.
कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैंने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम? हाँ, मैं ही मिस अनीता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हूँ। उस दिन तुम्हारे सामने मैं उस ट्रेन पर सवार हुई थी और उसी कंपार्टमेंट में मेरी हत्या हुई थी। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने उन हथियारों को देखा है। क्या? तुमने अपने हथियारों को देखा? कौन है वो? हाँ, वही तो मैं बताने आई हूँ। मेरी शादी हो गई यार बॉस, अब मैं बदल गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे यार बाद में फोन करता हूँ यार। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो, देखो नीता, इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान की दी हुई हर सुख सुविधा यहां पर है। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगी, वो चीज तुम्हारे सोचने के पहले तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओके? हेलो, हाँ बोलो। ओके, ठीक है, मैं वहां आता हूं। राइट, अनीता, देखो मैं आ जाता नहीं पाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। अनीता जी, मेरे ख्याल में गुप्ता जी दुनिया के पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी दुल्हन को छोड़कर किसी और काम को इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है? अनीता जी, ये सब देख के आपको बेहद अफसोस हुआ होगा। अफसोस और गुस्से से ज्यादा तो एक ह्यूमिलेशन जैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की एक दूसरे दर्जे की औरत हूं। एक नई दुल्हन के लिए इससे और बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? फिर भी मैं चुप रही और अपने दिल को समझाया कि शायद वो किसी जरूरी काम से गए होंगे। लेकिन अनीता जी, मैंने तो सुना है कि बड़े घरानों के लोग रिश्ता बीवी से नहीं, उनके घराने से जोड़ते हैं, उनकी हैसियत से जोड़ते हैं, और बाकी वक्त तो बीवियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए शोपीस की तरह रह जाती हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में जरा देर से आई। मुझे सच्चाई का पता तो मेरी मौत के तुरंत बाद पता चला, और ये सच्चाई मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूं। अजीत, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि उस रात सुरेंद्र गुप्ता कहां थे। क्या लगा? मैं नहीं आऊंगा। सुरेंद्र, तुमने आज रात यहां आकर मेरी हार को जीत में बदल दिया है। तुम्हारे पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि तुम्हारे और हमारे खानदान में काफी फर्क है। मैं एक डॉक्टर तो बन गई, फिर भी तुम्हारी बीवी ना बन सकी। ए जान, अरे बीवी बनना कैसे कहते हैं? देखना,
आज मेरी सुहागरात है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सुरेन, इसीलिए तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। उस कमबख्त अनीता से आखिर मैंने अपना बदला ले ही लिया ना। ओह माय गॉड, अनीता जी ये तो हद हो गई। हाँ हाँ जीत, हद तो हो गई। एक औरत मुझसे बदला लेने की बात कर रही थी, मुझसे, जबकि मैं उस औरत को जानती तक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मगर अनीता जी, अभी तक आपने अपने कातिल के बारे में नहीं बताया। कौन है वो, कौन है वो जिसने उस रात आपके सीने में खंजर खोपा था? हाँ मैं बता रही हूँ। धीरे धीरे उस घर में मुझ पर पाबंदियां लगने लगी और मेरे फादर इन लॉ के डेथ के बाद सुरेंद्र पूरी तरह से आजाद होने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दादा दादी के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था, और अगर उन्हें पता चला कि मेरे पति ने अब तक मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो वो तो सदमे से मर जाते। करती हूं, अनीता का खात्मा जल्द से जल्द हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। सुरेन, कौन होगा? मुझे लगता है शायद अनीता थी। अगर ये अनीता थी तो उसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। मुझे लगता है उसका इंतजाम करना ही होगा। अगर ऐसा है तो आज की रात अनीता की जिंदगी की आखिरी रात है। बीबीजी मैं जगिया। अंदर आओ जगिया। नमस्ते बीबीजी। नमस्ते। चाय लाया हूं। रख दो। जी बीबीजी, चाय बनाऊं? हाँ बना दो। जी जगिया, मेरा एक काम करोगे? हुकुम कीजिए बीबी जी। मुझे आज रात गुजरात मेल से बड़ौदा के लिए एक टिकट चाहिए। लेकिन इस बात की किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप अपने दादा दादी से मिलने जा रही हैं? सवाल मत करो, जितना कहा जाता है उतना ही करो। बीबी जी क्या बात है,
कुछ दिनों से देख रहा हूं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान सी लगती हैं। बीबी जी अगर कुछ काम है तो मुझे बताइए, यह जगह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बीबी जी आपको मालूम है बड़े गुप्ता जी मरते वक्त इस घर में आपकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए थे। नहीं जगिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो, बस तुम मुझे बड़ौदा का टिकट ला दो। ठीक है बेबी जी। हेलो। हेलो। तो तुम्हारा शक ठीक निकला, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं उसका ऐसा इलाज करूंगी कि किसी को भी शक नहीं होगा। इंजेक्शन नहीं, बस कुछ और होगा।
पहले ट्रेन कौन से होगी? हाँ भाई साहब, सॉरी सॉरी। यकीन नहीं आता कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। शीला और सुरेंद्र ने मिलकर मुझे रास्ते से हटा लिया। अनिता जी, ये जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, उन लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अजीत, सुरेंद्र गुप्ता जैसे लोग अपने मां बाप से मजबूर होकर मुझ जैसे लड़कियों का हाथों थाम लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। और हाँ, शीला को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल तो कर ली, लेकिन जिंदगी देने के बजाय वो जिंदगी छीनने लगी। अजीत, शीला का गुनहगार तो सुरेंद्र गुप्ता था, जिसे वो शादी नहीं कर सका। लेकिन मैं तो शीला की गुनहगार नहीं थी, फिर भी उसने मेरा खून कर दिया। अनीता जी, उन दोनों को सजा दीजिए, बहुत भयानक सजा दीजिए। मैं आपके साथ हूं। तुम, अजीत, तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको एक ऐसा मौका दूंगा जिसमें सुरेंद्र और शीला होंगे। गुजरात मेल का वही कंपार्टमेंट होगा, वही कूपे होगा, मैं रहूंगा और आप होंगी। हाँ अजीत, मैं भी यही चाहती हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको अनीता के दादाजी ने भेजा है। बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है वो। कैसे हैं वो? जी, आप तो जानते ही हैं कि एक तो बुढ़ापा और उस पर जवान पोती की मौत का इतना बड़ा हादसा। टूट चुके हैं वो दोनों, और उनकी ये इच्छा है कि अपनी सारी जायदाद वो अनीता के पति यानी के आपके नाम कर दी जाए। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बड़ौदा चलना पड़ेगा। बड़ौदा? देखिए, बात दरअसल ये है कि अनीता की डेथ के बाद मुझे भी इतना सदमा पहुंचा कि मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। वो तो डॉक्टर शीला मेरे साथ हैं, इसलिए मिस्टर सुरेंद्र, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाय, आई एम अजीत वर्मा। डॉक्टर शीला, अजीत जी, इनकी तबीयत तो काफी खराब रहती है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ऐसे में बड़ौदा जाना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर शीला, क्या मैं अकेले में आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ?
आइए ना। या मिस्टर अजीत बताइए। देखिए डॉक्टर शीला, मिस्टर एंड मिसेस पंचाल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि अभी हैं और अभी नहीं। देखिए ये काम जल्द से जल्द हो जाए बेहतर है। लाखों करोड़ों की जायदाद का मामला है, इस काम में देरी करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर शीला हाँ। तो आप आ रही हैं ना, तो मैं आप दोनों की कल रात की टिकट बुक करा देता हूँ बड़ौदा की, और डॉक्टर शीला आपके जो भी चार्जेस होंगे मैं दिला दूंगा। ओके ठीक है, मैं आऊंगी मिस्टर सुरेंद्र के साथ। थैंक यू मिस्टर गुप्ता, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। अब ये नाटक छोड़ दो। हाँ लेकिन तुमने हाँ क्यों कह दी? अब उसके बूढ़े दादा दादी को कौन झेलेगा? क्योंकि उसके बूढ़े दादा दादी से ही हमें करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है। Really? What are you saying? Yes, और कल रात की ट्रेन से ही हम बड़ौदा जा रहे हैं। मान गए, क्या दिमाग का है तुमने। अजीत, क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों आ जाएंगे? अनीता जी, मुझे पूरा यकीन है। आप देखिए वो लोग आते ही होंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि मैंने उनसे क्या बात की है। क्या कहा? दरअसल मैं उनसे आपके दादा दादी मिस्टर एंड मिसेस पंचाल के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मिला, और उन्हें मैंने बड़ौदा आने के लिए राजी कर लिया है, क्योंकि मिस्टर मिसेस पंचाल ने अपनी सारी जायदाद मिस्टर गुप्ता के नाम कर दी है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मिस्टर गुप्ता के साथ डॉक्टर शीला मल्होत्रा भी आ रही हैं। अजीत बाबू, आप किससे बातें कर रहे हैं? बस अपनी बेख्याली में अपने आप से बातें कर रहा था। आज आप बड़ौदा जा रहे हैं ना, लेकिन माफ कीजिएगा, हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होती। क्या मतलब भाई? मतलब कुप्पे नंबर सी किसी और के नाम से बुक है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी उस कुपे में बहुत उलझन हुई थी। हेलो मिस्टर गुप्ता। देखो अजीत जी। हाय। हाय। हेलो। हेलो। देखो भाई, तुम्हारे कहने पर मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, वरना शीला तो मुझे कभी इजाजत नहीं देती। हाँ, और मुझे आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शीला। ये सच है गुप्ता जी कि मैंने ही डॉक्टर शीला को आपके साथ चलने के लिए कहा। क्या पता आपकी तबीयत कब और कहां खराब हो जाए। आइए, ट्रेन छोड़ने का टाइम हो गया, प्लीज। यशो।